हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सबका एंजॉय योर पैशन में। मैं हूं आपकी दोस्त नामिका और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम ये सुंदर सुंदर हिबिस्कस के फूलों के साथ। बरसात का मौसम आ गया है और ये मौसम जो होता है कटिंग लगाने के लिए सबसे अच्छा होता है, मगर ये जो हिबिस्कस का प्लांट है ये मैंने एयर लेयरिंग के थ्रू लगाया था और एयर लेयरिंग मुझे कटिंग से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी भी रिलेटिव के घर आप चल जाइए, एयर लेयरिंग करिए और एक महीना के बाद आपको एकदम मैच्योर क्लोन प्लांट मिल जाता है। तो इसकी भी वीडियो की रिज़ल्ट में लेके आऊँगी। आज का मगर हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिड विंका, जो कि नॉर्मल विंका से बिल्कुल ही अलग होता है। ये थोड़ा सेंसिटिव होता है। दो प्रकार के विंका होते हैं, एक नॉर्मल जो आप ये देख रहे हैं ये वाइट में भी होता है, और होता है हमारा हाइब्रिड विंका जो बहुत सारी कलर वराइटीज़ में आती है, बहुत सारी कलर्स में आती है और बहुत ही आसानी से सीड के थ्रू लग जाती है और बहुत हार्डी प्लांट है। सदाबहार बहुत हार्डी प्लांट है और सब लोग बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं कि सदाबहार अपने घर ज़रूर रखिए अगर आपको कलर्स ऐड करना है अपने गार्डन में, क्योंकि सालों भर चलता है। मगर हाइब्रिड विंका के लिए जो सबसे अभी का समय जो होता है, रेनी सीज़न जो होता है, वो बहुत ही दुखदाई समय होता है। इसमें थोड़ा सा स्पेशल केयर चाहिए आपको। ये सारे मेरे प्लांट्स छत पे थे तो अभी ये ठीक है, मगर जो नीचे में थे मेरे प्लांट्स, जैसे कि ये है मेरा हाइब्रिड विंका, इसके देख रहे हैं आप पूरा रॉटिंग हो गया है। रूट रॉटिंग नॉर्मली जो होता है बारिश के समय में विंका में बहुत फंगस पकड़ता है। देखिए ये मेरे पौधे में पूरे अच्छे से फंगस लग गया और ये पौधा मेरा मर गया है। अगर मैं चाहूँ भी इसको बचाना तो अब नहीं बचा सकती हूँ। यहाँ पर भी एक लगा है जिसके कि अब निकाल के मैंने बहुत सारा निकाल के फेंका है। ऐसा नहीं कि हमारे पौधे नहीं मरते, हमारे भी पौधे मर जाते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये तीनों जो छोटे छोटे कंटेनर होते हैं उनको मैंने एक ट्रे में रख दिया था और उसमें पानी भर के रखा था, गर्मियों में रखा था ये, और बीच में बहुत बारिश हुई, 2-3 दिन 5 दिन हुई थी और उसमें भी कंटिन्यू पानी भरा रहा और नीचे से पानी सोख सोख के मिट्टी दिन भर गीला रहा और ये मेरे पौधे का हाल हो गया। एक पौधा मैंने निकाल के फेंक दिया और ये एक पौधा, ये भी अब सड़ गया है। इसे मैंने धूप में ला के रख दिया था और वो जो दिख रहा है आपको उसमें भी मैंने कटिंग कर दिया है अभी। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे कि आप अपने हाइब्रिड विंका को बहुत आसानी से केयर कर सकते हैं और इन बरसात में बचा के रख सकते हैं। तो अगर मैं इस प्लांट को देख रहे हैं जैसे, इसको अगर मैं चाहूँ तो भी नहीं बचा के, अब इसको निकाल के फेंकना ही पड़ेगा क्योंकि ये पूरी तरह की से मर गया है। और ये मैंने कुछ कटिंग कर दिया था तो देखिए अब छोटे छोटे नीचे से ब्रांचेस निकल रहे हैं और जैसे ही आपका जो ये जो स्टेम अगर रॉट हो जाता है, सड़ जाता है, पानी लग जाता है तो इसको आपको कटिंग कर देना चाहिए, क्योंकि नीचे से बहुत सारे जितनी कटिंग करेंगे तो ब्रांचेस निकल जाती है और वो नीचे से ब्रांच जो रॉट हो जाता है उतना एरिया आपको निकाल के फेंक देना है। बहुत आसानी से आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। वैसे स्वीट के थ्रू लगता है, सीड पॉट्स देख रहे हैं बहुत सारे बने हुए हैं, लग जाता है। तो चलिए मैं पॉइंट्स बताती हूँ आप जिससे कि आप अपने हाइब्रिड विंका को बचा के रख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि आपको बरसात में अपना होल, पूरे होल को एकदम क्लियर कर देना है, चेक कर लेना है कि प्रॉपरली होल है कि नहीं, पानी का निकासी है कि नहीं। पानी गमला में एकदम नहीं ठहरना चाहिए और अगर ठहर रहा है तो आपके पौधे मर जाएंगे। और सेकंड है कि आपकी सॉइल हमेशा वेल ड्रेंड सॉइल चाहिए। वेल ड्रेंड सॉइल का मतलब ये है कि सॉइल में अगर हम पानी डाल रहे हैं तो वो नीचे से आराम से बिना ठहरे ही निकल जा रहा है। तो वेल ड्रेंड सॉइल हम बहुत आसानी से बना सकते हैं बिना खर्चा किए हुए। आपको आधा पार्ट लेना है सॉइल और आधा पार्ट मिट्टी। और सेकेंड पॉइंट है हमारा कि फंगस तो लग गया है अब, तो बरसात में हमको एज ए प्रिकॉशन, अगर नहीं भी हमारे पौधे ख़राब हुए हैं तो हमको सारे मिट्टी में बेविस्टीन या फिर कोई भी फंगीसाइड या फिर साफ है कोई भी फंगीसाइड का है छिड़काव कर देना चाहिए। आप पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं या लिक्विड फॉर्म में भी, 1 लीटर लिक्विड में आप 1 चम्मच बेविस्टीन घोलिए और मिट्टी में डाल दीजिए। तो ये सेकेंड पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, तीसरा पॉइंट ये है कि आपको इसको फुल सन में रखना है। अगर आपके एरिया में कंटिन्यू बारिश हो रही है तो आपको इसको, पौधे को थोड़ा सा शेडी एरिया में आपको शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये गर्मियों का पौधा है, गर्मियों में बहुत अच्छा चलता है और ये ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो और पानी आपको तभी देना है जब इसकी जो मिट्टी है वो मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। 1 इंच उंगली का आप 1 इंच घुसा के देखिए, अगर 1 इंच आपकी मिट्टी सूख गई है तब भी आप वाटरिंग करिए, तभी आपके बहुत बड़े बड़े ब्लूम्स आएंगे।
और उसको पानी मत दीजिए जब तक कि उसकी सॉइल पूरी तरीके से नहीं सूख जा रही है, एकदम पानी उसका बंद कर दीजिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आपको इसको ड्रेनेज होल चेक करिए और वेल ड्रेन्ड सॉइल दीजिए, आप उसको फंगिसाइड पाउडर दे दीजिए और इसको धूप में रखिए। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, बाय।